हर एक नई सुबह एक उम्मीदों के साथ आती है। किसान इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा। हालांकि तस्वीर बदली भी नहीं है, लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और तस्वीर वही है। आप देखें, मैं इस वक्त जहां मंच है, मंच के अलग अलग जगहों पर तमाम जगह ऐसे ही ये शेल्टर्स बने हुए हैं। यहाँ पर तमाम किसान भाई या तो सो रहे हैं क्योंकि ठंड बेहद ज़्यादा है, या आपस में चर्चा चलती है आगे की रणनीति क्या होगी, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सरकार से वार्ता के दौर पे अभी तक लगा नहीं है कि कुछ होने वाला है। क्योंकि आने वाले जो दिन है, जिस तरीके से 26 तारीख का एक साफ हुआ है कि एक जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, दिल्ली की सड़कों पे होंगे, आगे क्या है, किसानों के मन में क्या है, आगे क्या सोचा है, मैं बात करता हूँ। अनूप, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा चल रही है, सुबह एक उम्मीद के साथ आती है, वार्ता भी हुई है लेकिन कोई हल नहीं निकला है, आगे क्या होगा? आज की वार्ता में आपको क्या लग रहा है और किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 9 दौर के बाद आज 10वें दौर की वार्ता है, लेकिन उम्मीद आज भी हमारे को इतनी नहीं है सरकार से, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा है। इसलिए हमने 26 तारीख तक का हमारा प्लान पहले ही क्लियर कर दिया था। अब 16 तारीख कल को हमारे किसान लीडर की फिर से मीटिंग होगी कि 26 तारीख की रणनीति के तहत कैसे हमें कैसे काम करना है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, हम हर घर से एक किसान और जितने ट्रैक्टर गाँव में हैं वो सब दिल्ली की तरफ आए, उसके लिए अभी रणनीति पे हम जुटे हुए हैं। उसके लिए हमने क्या किया, जितने भी अभी पंजाब हरियाणा पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उस डिस्ट्रिक्ट पे हमने एक बंदा लोड कर दिया है। वो बंदा पूरे डिस्ट्रिक्ट के गांव की लिस्ट के साथ ये देखेगा कि किस गाँव से कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये हमने कर दिया है। और हमारा यही है कि हर ट्रैक्टर यहाँ निकले और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए करो मरो की लड़ाई, हम पहले दिन से संकल्प लेके आए थे कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम घर जाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने पूरी की पूरी ताकत 26 तारीख तक के लिए लगानी है। ये कितने जिलों की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा, पंजाब, या जो आप लोगों ने हरियाणा में अलॉट किए हैं, मान लीजिए अलग अलग जो जिले हैं वहाँ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? क्या अभी से शुरुआत हो रही है वहाँ से कि अभी से तैयारी हो जाएगी निकलने की, या 26 से के दौरान ही निकलेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये बता देता हूँ आपको, हमने अभी हरियाणा के तो 22 जिले सब अलॉट कर दिए हैं। उसमें ये रहेगा कि उन गांव में के सभी ग्रुपों के लोग, मतलब यूथ जो जागरूक है वो उस ग्रुप में हमने जोड़ा है। और उसमें ये आह्वान किया कि आप लोग 20 तारीख से 21 तारीख से निकल लें, 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तब तक आप पहुँच जाएँ। पूरा मतलब एकदम से ही पूरा जैम करना एक तरह से 23 तारीख को, हर ट्रैक्टर जब निकलेगा तो लाखों ट्रैक्टर हो जाएंगे आप पूरा, क्योंकि मेरे गांव में अगर बात करें तो 600 ट्रैक्टर हैं अकेले मेरे गांव में। जब सारे ट्रैक्टर निकलेंगे तो पूरी तरह से लास्ट में पूरा हरियाणा ही सब कुछ जाम हो जाएगा। और यही अपील हम कर रहे हैं कि ये हमारे लिए करो मरो की लड़ाई है और सब आएंगे इसमें। आपके पास भी जिला दे दिया गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी से तैयारी कर रहे हैं आप लोग की 26 तारीख से पहले पहले दिल्ली में कूच करना है और 26 तारीख को तो करना ही है? देखिए बिल्कुल, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हूँ, जो भी हमारे यूथ हैं जींद में, पूरे 306 गांव हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर गांव से एक अपने युवा साथी को मैं अपने ग्रुप में जोड़ूं, और जो आने वाली 26 जनवरी को जो हमारी परेड होने जा रही है उसके लिए सारी जानकारियां गांव-गांव तक पहुंचाएं, कोई किसी तरह का वॉयलेंस ना हो, शांति प्रिय तरीके से सब कुछ हो। हमारी यही एक कहना और यही एक मैसेज देना है हमें, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे अलॉट हुए हैं पूरे 22 के 22 जिलों में। आप देखें कि ये तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग जिलों को डील कर रहे हैं, यानी इनकी जिम्मेदारी ये है कि ट्रैक्टर को लाना है, यानी पहले से शुरुआत हो गई, आज से शुरुआत समझ लीजिए, क्योंकि मीटिंग का इनको लगता है, आपको लगता है कि मीटिंग में आज हल नहीं निकलेगा, ये साफ है? देखिए, 9 दौर की मीटिंग जो हुई है उससे आज भी यही लग रहा है कि डाक के दो पात वाली बात है, आज भी कुछ समाधान निकलने वाला है नहीं। और उसको देखते हुए हमने अपने आगे की रणनीति बना ली है और 26 तारीख की पूरी तैयारी है। 26 तारीख को आगे क्या करना है वो अभी तक प्लान नहीं किया है, लेकिन जो परेड करनी है उसकी तैयारी कर ली। उसके लिए हम हर जिले से, हर गाँव से जितने भी ट्रैक्टर हैं और हर घर से एक किसान को लेके आएंगे, और यही आह्वान कर रहे हैं, रोज मैसेज डाल रहे हैं ग्रुपों में कि हर गांव से, हर घर से एक किसान कम से कम आए और गांव के सारे ट्रैक्टर रोड पे हों, 23 तारीख तक यहां पहुंच जाएं। बिल्कुल, ये एक वो तस्वीर है कि जिस तरीके से लगातार एक उम्मीद के साथ किसान यहां बैठते हैं, क्योंकि एक लंबा दौर हो चुका है, वार्ता भी चल रही है, आज भी वार्ता है, लेकिन साफ है कि इन्हें पता है कि वार्ता में नहीं होना कुछ तो, लेकिन उससे पहले की रणनीति इन्होंने पहले से तैयार कर ली है कि किस तरीके से, किस जिलों से कितने ट्रैक्टर कैसे आने हैं, लेकिन शुरुआत अभी से है। यानी साफ तौर पे ये साफ है कि जब तक
जिनकी मांगे, यानी जिस तरीके की एक लंबी लड़ाई थी बिल रद्द को लेकर, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी वार्ता में कोई समाधान निकले, समाधान कुछ नहीं निकला जिस तरीके से तमाम किसान भाई कह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि आगे की रणनीति साफ है कि आगे पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकलेगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।